पंडित जी, क्या प्राचीन जो इतिहास है इस मंदिर का, क्या इतिहास है? पहले मंदिर के बारे में बोलते हैं। मंदिर का इतिहास है, ये मंदिर 2000 साल पुराना मंदिर है। 2000 साल पुराना, ये पुराण में भी लिखा हुआ है, कालिका पुराण, शिव पुराण, युगिनी पुराण, सब पुराण में लिखा हुआ है 2000 साल पुराना है। ये भगदत्त का दिन का मंदिर है। भगदत्त था महाभारत दिन का राजा। महाभारत के टाइम में महाभारत दिन का राजा भगदत्त था जी। प्राग्ज्योतिषपुर का राजा था। हम लोग का कामरूप, अभी कामरूप जिला हो गया, पहले कामरूप था, कामरूप कामाख्या, इसलिए कामरूप कामाख्या रूप से प्रसिद्ध थे। आगे इसका नाम था प्राग्ज्योतिषपुर जी। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का साधना होता था, ज्ञान होता था। उस टाइम में ये मंदिर आपका भगदत्त जी ने मंदिर निर्माण किया था। उसका वंशधर नरकासुर ने, नरकासुर ने माता का मंदिर का निर्माण किया था। ऊपर वाला पूरा मंदिर जी, ये सामने वाला जो पेंट किया हुआ है ये नहीं था पहले। अच्छा, वो जो बिना पेंट किया है वो था, वही था पहले। वो उसके नीचे में जो गुफा है वो मनुभव गुफा बोलते हैं, गर्भगृह जो है, गर्भगृह। नरकासुर का सपने में नरकासुर जब सपने में माता आया था, तब माता ने बोला हमारा मंदिर ऐसे निर्माण करना होगा। तब नरकासुर ने माता को बोला हम आपका मंदिर निर्माण कर देगा, लेकिन आप हमारे साथ विवाह रचना पड़ेगा। अच्छा, तब माँ कामाख्या जी ने एक शर्त दिया था नरकासुर को। तब नरकासुर को बोला तुम हमारा मंदिर बनाना पड़ेगा एक दिन में, तभी हम तुम्हारे साथ शादी रचाएगा जी। नरकासुर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। नरकासुर ने पूरा एक दिन में मंदिर पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा एक पत्थर का रास्ता है नीचे की तरफ, वो थोड़ा कंप्लीट रहेगा। उसके बाद में माता ने वो कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तब माता ने सोचा अभी तो पूरा काम कंप्लीट कर दिया नरकासुर ने, थोड़ा ही काम बाकी, वो भी क्लियर हो जाएगा। तब माता ने उपाय सोचा, मुर्गा का रूप धारण किया माता ने जी। माता के मुर्गा का रूप धारण करके सुबह होने से पहले ही दाग दे दिया। अच्छा। तब नरकासुर, माता नरकासुर को बोला अभी तो सुबह हो गया, मुर्गा ने दाग दे दिया, तुम्हारा मंदिर निर्माण नहीं हुआ, अब तुम्हारे साथ शादी नहीं रचाएगा। तब नरकासुर और माँ कामाख्या जी के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में वहाँ नीचे में एक महाकाल गणेश जी का मंदिर है, उधर में माँ कामाख्या देवी और नरकासुर के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में माँ कामाख्या जी नरकासुर को वध किया और मंदिर का स्थापना किया। मंदिर से मंदिर वैसा ही है। उसके बाद में बीच में 1500 शताब्दी में मुगल शासक काला पहाड़ ने मंदिर का ऊपर वाला गुंबद वाला हिस्सा तोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद में 1526 में कोच बिहार का राजा नरनारायण जी ने मंदिर का गुंबद वाला हिस्सा फिर से निर्माण किया। तब से वैसा ही है। मंदिर का हो गया। और जो यहाँ पर बलि चढ़ती है बकरे की, उसके पीछे क्या? जो बलि होता है, बलि हम लोग का इधर में सब चीज का बलि होता है। अच्छा। शिव बलि, बकरा बलि, कबूतर बलि या कोई भी जीव का बलि, मतलब जिसके ऊपर प्राण है सबका बलि होता है। सबका बलि होता मतलब है। गन्ना का शुगर के, गन्ना का भी बलि होता है। आपका कुष्मांडा बोलते है, कुष्मांडा का भी बलि होता है। नारियल का भी बलि होता है। हाँ जी। कबूतर बलि होता है, मछली बलि होता है, बकरा बलि होता है, और सबसे ऊपर में है विराट बलि बोलते हैं उसको, भैंसा बलि, महिष बलि भी होता है। बलि देने से माता को तृप्ति मिलता है। तंत्र में भी लिखा हुआ है, उसका अनुमान है, मतलब एक बलि देने से माता का तृप्ति मिलता है, 200 साल 300 साल ऐसे तृप्ति मिलता है। जैसे हम दिल्ली से आते हैं, हमें लोग कहते हैं कि भाई कामाख्या मंदिर में बड़ा जादू टोना भी होता है, ऐसा कुछ है यहाँ? मतलब सुनिए, हम लोग का इधर में तंत्रसार से पूजा होता है जी। जादू टोना ये गलत बात है, जादू टोना नहीं होता है। एक जगह है मायंग, मायंग बोलकर जगह है जी। उधर में पहले के जमाने में होता था, लेकिन अब वो उधर में भी नहीं होता है। उधर भी नहीं होता, वो आगे का आदमी लोग नहीं रहा, वो पुस्तक किताब वगैरह भी नहीं रहा। अच्छा। ऐसे मान्यता है जो पूर्व पुरुष का आदमी गुजर जाता है उसके साथ में जितना भी पुस्तक वगैरह है या किताब वगैरह है वो मरा हुआ आदमी से जला देता था। कोई अभी कोई जादू टोना भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। और एक फूल धारणा है इधर में आने से, बकरा बना देता है, कबूतर बना देता है। हाँ, कहते हैं बकरा बना देता है, कबूतर बना देता है, ये सब फूल धारणा है, ये सब नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना ना, यहाँ कबूतर बनता है, यहाँ कबूतर दिख जाएंगे पीछे आपको मेरे दिख जाएंगे वो, लेकिन वो माता के माता को अर्पित किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, बलि दी जाती है बकरे की। बकरा और कबूतर यहाँ नहीं बनता। ठीक है भैया, धन्यवाद, थैंक यू पंडित जी।